Hey everyone, this is Gauri Manoj and you are watching Gorse. We're on the second last chapter of this book. Just one more chapter and we can flip our next book. Coming back. The name of this chapter is Seeing Green. I'm missing something here, shayad. Man and machine ke baad, Seeing Green kaise and kyun aaya? Ye mujhe samajh nahi aaya. If you guys know it, to please help me out now. Being very honest here, I'm not a fan of this chapter. Too much science and technical stuff and all that. And all that geeky stuff, it just hates me. So I have just jotted down ultimate key learnings जो हमारे लिए यूजफुल होंगे. बाकी सारे चैप्टर्स तो अच्छे थे यार. चलो ओके. सो डू यू गाइज नो व्हाट क्लीन टेक इज? क्लीन टेक्स आर टेक्नोलॉजीज जो एनवायरनमेंट के डैमेजेस को कंट्रोल करता है एंड ऑल दैट. 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में एवरीवन न्यू दिस इज गोना बी अ ह्यूज थिंग एंड मेनी मेनी ऑफ देम फेल्ड. चैप्टर में तो काफी घुमाया है बट मुद्दा ये है कि ये कंपनीज फेल इसलिए हुए बिकॉज दे डिडंट हैव द आंसर फॉर दीज 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ दीज 7 क्वेश्चंस दे आर नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लीन टेक कंपनीज. कोई भी स्टार्टअप हो दी 7 क्वेश्चंस का आंसर होना ही चाहिए. इफ नॉट देन आप सो कॉल्ड बैड लक के वजह से आपका बिजनेस डूब जाएगा और अगर है तो सो कॉल्ड गुड लक के वजह से आपका बिजनेस फ्लाई होएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन द इंजीनियरिंग क्वेश्चन. कैन यू क्रिएट ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स? यानी 10x बेटर कर सकते हो क्या एग्जिस्टिंग मार्केट से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मोनोपोली क्रिएट नहीं होगा एंड देन यू नो द वर्क्स. सेकंड वन द टाइमिंग क्वेश्चन. इज दिस द राइट टाइम? नाउ एंटरिंग अ स्लो मूविंग मार्केट एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है ओनली इफ यू हैव अ डेफिनेट एंड रियलिस्टिक प्लान टू टेक ओवर. थर्ड वन द मोनोपोली क्वेश्चन. आर यू स्टार्टिंग विद अ बिग शेयर और अ स्मॉल मार्केट? एग्जैजरेटिंग योर यूनिकनेस इज एन इजी वे टू वॉच द मोनोपोली क्वेश्चन. क्लीन टेक एंटरप्रेन्योर्स की थिंकिंग काफी कंफ्यूज थी. यूनिक लगने के चक्कर में वो अपना मार्केट श्रिंक कर देते थे. इससे अच्छा तो एक रेस्टोरेंट भी खोल देते. दिस इज व्हाट द राइटर सेज, नॉट मी. फोर्थ वन द पीपल क्वेश्चन. डू यू हैव द राइट टीम? एक टीम इनसाइड दिया गया. नेवर इन्वेस्ट इन अ टेक सीईओ That wears a suit. Now, why do you think this is so? I mean, उसका क्या लेना देना उनका काम एंड उनका सूट? How does it even relate? But it does. Just so comment down below कि why do you think it does? The best sales is hidden. Now, there is nothing wrong with a CEO who can sell, but if he actually looks like a salesman, he's probably bad at sales and worse at tech. इस वजह से वो clean tech companies डूबी. Tech wasn't strong. The fifth question, the distribution question. Do you know how to distribute what you have made? क्योंकि अब तक अगर समझा नहीं होगा आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन इज एटलीस्ट एज इम्पोर्टेंट एज अ प्रोडक्ट. ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी मेंशन किया था. द सिक्स्थ वन ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन. 15-20 इयर्स के बाद भी टिकने का पोटेंशियल है इस बिजनेस का? मतलब 15-20 साल के बाद जो डेवलपमेंट होगा स्पेस में हम हमारे बिजनेस को भी कोप कर पाएंगे कि नहीं? एंड द लास्ट क्वेश्चन द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन द सीक्रेट क्वेश्चन. यूएसपी क्या है? मतलब व्हाट इज यूनिक अबाउट योर बिजनेस? तुमने ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली जो दूसरों को नहीं दिखा या दूसरों के ध्यान में नहीं पड़ा? Now listen to this. Doing something different is what is truly good for the society. भीड़ भाड़ के साथ भागना नहीं. And it is also what allows the business to profit by monopolizing a new market. Now my favorite line comes in. Best projects are likely to be overlooked, not trumpeted by a crowd. The best problems to work on are often the ones that nobody even tries to solve. Hey, मजा आ गया. Okay, so that's all for this chapter, you guys. I'll see you with the next chapter and the last chapter of this amazing book called 0 to 1.